फाइट कॉलेज की एल्यूमिनाई एसोसिएशन के सभी पदों का चुनाव आम सभा में किया गया। अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करते हुए एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने सभी पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार को वोट किया। वोटों की गिनती के बाद चुनाव कमेटी द्वारा इन एल्यूमिनायों का चयन किया गया। प्रेसिडेंट पायल शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट हर्षित कक्कड़, सेक्रेटरी अंकुर गोयल, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रिंस वर्मा, कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता, एसोसिएशन में मनीष गुलाटी, मोहित यादव, निकेत तथा नमिता सिंगला भी एग्जीक्यूटिव सदस्य के रूप में चुने गए। एसोसिएशन के संरक्षक राकेश तायल, मेंबर बीओजी पाइट तथा डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति कुमार को बनाया गया। उन्होंने सभी सदस्यों तथा नव निर्वाचित अधिकारियों को मुबारकबाद दी। पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ और रहूंगी भी। मैं आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन सबको यही कहना चाहूँगी कि मेरा विजन और मिशन बहुत ही क्लियर है और बहुत ही सिंपल है। मैं आने वाले बच्चों की और इंडस्ट्री के बीच के जितना भी गैप है उसमें एक ब्रिज बनने का काम करना चाहती हूँ और उन सब स्टूडेंट्स का गैप फिल करना चाहती हूँ। बीइंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की फीलिंग एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है बिकॉज सबने मुझ पर इतना बिलीव जताया। उसके साथ साथ आई फील लाइक आई एम मोर इन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकूं। थैंक यू मिस पायल शर्मा। बहुत अच्छा लगा, बहुत स्टूडेंट्स काफी दूर से आए और आज एलुमनाई एसोसिएशन की हमारी पहली जनरल मीटिंग थी। एलुमनाई एसोसिएशन हमारी बहुत पहले से है और बहुत से एलुमनाई मीट हम करते रहे हैं, पर लेकिन उसको फॉर्मल जो रूप दिया वो आज हमने एक क्योंकि एक रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉस के साथ आज इसके प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुआ, तो इसमें पूरा जनरल हाउस की बोर्ड की मीटिंग हुई और उसी बोर्ड ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड चुना जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब उनको उनके ही वोट्स के कारण उन्होंने ही अपना जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको आज इलेक्ट किया है। सर, इस कमेटी का क्या रोल रहेगा? इस कमेटी का रोल जो स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं और जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों जो स्टूडेंट्स हैं आपके करंट और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं इनको कनेक्ट करना, और क्योंकि जो एलुमनाई होता है वो बहुत सारी प्रोसेस से निकल चुके होते हैं, दे हैव सीन लाइफ फ्रॉम ए डिफरेंट परस्पेक्टिव। जो हम अभी स्टूडेंट्स को, जो करंट स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ बताते हैं तो दे डोंट टेक इट इन दैट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, बट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो लाइफ को देख चुके हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं एंड दे हैव रीच्ड टू सर्टेन हाइट्स, तो वो जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, जो वो एक इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट जब वो एकेडमी इंस्टीट्यूशन के अंदर लेके आते हैं, तो एक बहुत चेंज इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास बहुत सा काम होगा कि सब स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म में, एक सूत्र में पहले तो वे पिरोएं और उनको जोड़ें और फिर इंटरेक्ट करें, क्योंकि बहुत से बच्चे आपस में नहीं जानते हैं बट दे आर वर्किंग इन द सेम फील्ड एंड सेम सिटी, बट लेकिन वो आपस में नहीं जानते क्योंकि डिफरेंट बैचेस के पास आउट होते हैं, तो उन सब लोगों को कनेक्ट करना, उनको जोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और सेकेंडली, नाउ वी आर मोर फोकसिंग ऑन स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशंस एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो जो स्टूडेंट्स अभी बाहर जाके अपना अपना जो काम कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारे जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो इंस्टीट्यूशन उन लोगों के लिए कर सकता है, लेट इट बी इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स और उनके फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो वो इंस्टीट्यूशन भी उनकी हेल्प करेगा। सो इट इज़ विन विन सिचुएशन फॉर द पास आउट स्टूडेंट्स, एलुमनाई एंड द करंट स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन। अगर कोई बच्चे ऊपर जाते हैं तो इंस्टीट्यूशन को भी खुशी होती है और हमें भी बहुत खुशी होती है।